Hey, what's up guys, welcome back to Biker KINGSTON'S vlog. अगर आप इस वीडियो से पहली बार मेरे YouTube चैनल पे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. भाई कहाँ थे इतने दिन. तो इस वाले YouTube चैनल पे मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, जो भी न्यूज़ वगैरह अपडेट्स आते हैं, और कभी कभी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए बनाता हूँ. तो प्लीज़ ये जो वीडियो है पूरा देखना. आप लोगों को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इन डेप्थ आपको जो नए अपकमिंग KTM RC सेगमेंट पूरा लाइनअप आ रहा है उस पर क्या क्या अपग्रेड हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूँगा. तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बूम गाइस, इसे कहते हैं एक प्रॉपर अपग्रेड. तो 8 साल से जो भी यहाँ पे RC 390 था वो उतना ज़्यादा अपग्रेडेशन उस पर नहीं हुआ था. कुछ छोटे मोटे यहाँ पे अपग्रेडेशन देखने को मिलता था, वो सिर्फ आपको विजुअल अपग्रेडेशन यानी कि जो आपका स्कीन्स वगैरह है, जो कलर कम्बिनेशन है उस पर थोड़ा छेड़खानी, ये सब उधर थोड़ा सा स्टिकर बढ़ा दिया, इधर से थोड़ा ऐसा उसा कर दिया, कलर चेंज कर दिया. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर फाइनली कोई ऐसा एक काम किया है जो 300 cc सेगमेंट बाइक का जो बेताज बादशाह माना जाता है, जिसको यहाँ पे RC 390 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. इसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में देखने को मिलेगा यहाँ पे निंजा 300 और जो इंडियन कंपनी TVS का नए RR 310 जो भी है, ये तीनों बाइक्स इसके साथ कंपीट करेगा. लेकिन जब फाइनली मैंने इस बाइक को देखा, ठीक से गौर से देखा, जब भी इसका इन वीडियो वगैरह, न्यूज़ वगैरह, स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ, और जब से इसका जो प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ पे लीक हुआ था तब से मैं अपने YouTube चैनल पे ये अपडेट वगैरह देते आ रहा हूँ. तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग इसको जज कर रहे थे, जो प्रोटोटाइप मॉडल्स है उसको देखे भाई पता नहीं है क्या बना दिया. लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पे सामने आ रहा है, जो आया है, वो बहुत ही पॉलिश्ड है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है. जो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे जो कलर कम्बिनेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, एक फंकी और बहुत ही प्रीमियम सा कलर कम्बिनेशन यूज़ किया गया है. पहले यहाँ पे ब्लैक एंड जो ऑरेंज था वो बहुत ही अच्छा एक फील देता था, लेकिन अभी का जो है बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही फ्रेश एक रिफ्रेशमेंट है, बहुत ही ख़तरनाक. मुझे पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे टैंक पैड में है, और सामने जो साइड के जो वाइजर्स हैं, आपको यहाँ पे जो कलर कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे डार्क ब्लू और यहाँ पे जो ऑरेंज ऑफिशियल कलर है, सिग्नेचर कलर है KTM का, उसका एक बहुत ही बढ़िया यूज़ देखने को मिला है. और यहाँ पे जो सामने का वाइजर, सामने का जो पूरा सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे चेंज हुआ है. पहले बहुत ही भद्दा सा लग रहा था, लेकिन अभी जो ऑल ओवर जो बाइक के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. मुझे सामने का जो पूरा सेगमेंट है, सामने का जो पूरा मॉड्यूल है, वहाँ पे LED का इस्तेमाल हुआ है. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिला, जो इंडिकेटर्स है वो इन बिल्ट फ्रंट में जो आपको हेडलैम्प है उसके दोनों साइड देखने को मिला है. बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे डिज़ाइन है, बहुत ही रिफ्रेशिंग डिज़ाइन है. और जो LED का जो पूरा मॉड्यूल है सामने का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं KTM का जो ड्यूक सेगमेंट है 390, उसी से यहाँ पे रीडिज़ाइन करके यहाँ पे RC 390 के लिए यहाँ पे सेटअप किया गया है. और यहाँ पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जो साइड का वाइज़र है ये बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है. इसका जो एरोडायनामिक है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. ऑल ओवर द बाइक जो एरोडायनामिक शेप है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है और पहले से बेहतर यहाँ पे दावी किया जा रहा है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो लोग KTM RC 390 का ओनर है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ये फेस करता है प्रॉब्लम, जब भी सिटी राइड या फिर ट्रैफिक पे ये RC 390 चलती है, इसका जो हीट है, जो पावरफुल बहुत ही इंजन बहुत ही पावरफुल है इसका, तो इसका जो हीट है ये भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है. तो पहले का जो वेंट हुआ करता था, पहले जो सेटअप था वाइजर्स के, वो डायरेक्ट जो इंजन का हीट हुआ करता था वो डायरेक्ट आपके लेग्स, अपनी आपके जो पैर है वहाँ पर चुका करता था, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल एक समर में क्रिएट करता था. लेकिन यहाँ पे जो एरोडायनेमिक शेप
और जो प्रॉपर इसका जो पोजीशनिंग किया गया है उससे ये दावी कर रहा है कंपनी की जो हीट का जो हवा है, गर्म हवा, वो अभी आपके डायरेक्ट आपके पैर पे नहीं जाएगा, नहीं चुगेगा, और जो साइड में वेंट्स दिया गया है उसी वेंट से वो गर्म हवा पास होगा। तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेस है, बहुत ही यूजफुल चेंज मुझे लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये पूरा नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको बताना कि क्या एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताना, और भाई आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी दबाना। तो ऑल ओवर द बॉडी सामने का वाइजर, साइड का वाइजर, सब मिला के जो एरोडाइनमिक यहाँ पे फ्लो तैयार किया गया है वो यहाँ पे कंपनी दावा कर रहा है पिछला जो एरोडाइनमिक था, पिछले जो कंटिन्यू चल रहा है, जो अभी तक जो चल रहा है इंडिया पे ग्लोबल मार्केट पे 390 पे, RC 390 पे, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर ये कंपनी क्लियरली दावे कर रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं देख के भी लग रहा है भाई इसका एरोडाइनमिक पहले से बेहतर है। और जो फुल बॉडी आपको ठीक से देखेंगे तो ऑल ओवर बाइक अब पहले से ज़्यादा मस्कुलर है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले से जो बाइक का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कटआउट करने का कोशिश किया है, क्योंकि जो ये जो बाइक है ये ज़्यादातर यहाँ पे ट्रैक और ज़्यादातर कॉर्नरिंग और ज़्यादातर रेस पे आपको फोकस करके, आपको स्पीड और परफॉर्मेंस पे फोकस करके डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो वेट है काफ़ी कम रखना पड़ता है ताकि आप कंपटीशन पे और भी ज़्यादा कम्पीट कर पाओ और भी ज़्यादा पावर डिलीवरी मिल पाए। और उसी के साथ साथ ये मत समझना कि वेट कम हो गया यानी कि बाइक का स्टेबिलिटी ख़राब हो गया। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ जो फ्रंट फोक्स है और पीछे का जो शॉक एब्जॉर्बर है दोनों चेंज किया गया है, दोनों अपग्रेड किया गया है, दोनों के दोनों यहाँ पे एडजस्टेबल है, यानी कि आप अगर रेस करना चाह रहे हैं, आप किसी भी रेस ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑन बोर्ड आपका जो फॉक्स है वो आप रीएडजस्ट कर सकते हैं, आप और भी स्टीफ कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर एकदम स्टेबल कॉर्नरिंग और हाई स्पीड पे बाइक का जो स्टेबिलिटी है वो आपको, मतलब आप कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप वेट कम हो गया और यहाँ पे आपका बाइक जो है अनस्टेबल हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। और जब भी ये हाथ पे आएगा तब मैं इसको चला के भी देखूंगा और रिव्यू वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको जो डिस्प्ले है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। पिछले जो डिस्प्ले था बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ पे KTM जो ड्यूक ऑफर करता था 390 उस पे बहुत ही ख़तरनाक आपको एक TFT डिस्प्ले, हाई एचडी डिस्प्ले यहाँ आपको मिलता था। वही डिस्प्ले अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बहुत सारे फीचर्स है इस पे। अगर मैं इस डिस्प्ले के ऊपर ही बात करूँ तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ इस पे बहुत ही, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जितना आपको चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है वो है जो बाइक का फ्रेम है, वो बाइक का फ्रेम में थोड़ा सा यहाँ पे हेर फेर किया गया है। अब बोला जा रहा है कि पिछले वाले RC 390 से अभी का जो बाइक का फ्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कंपोनेंट से बनाया गया है ताकि जब भी आप इस बाइक को क्रैश करते हैं स्टंट करते हुए या फिर रेस करते हुए तो आपका जो बाइक का पार्ट है, पीछे का जो फ्रेम है और सामने का जो फ्रेम है वो अलग से एक मॉडिफिकेशन किया गया है। तो अगर आप क्रैश करते हैं, अगर आपका पीछे का साइड थोड़ा हिल गया या फिर ख़राब हो गया या फिर टूट गया तो अब उसको बोल्ट से डिसकनेक्ट करके नया आप जो फ्रेम आते हैं उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेम है वो थोड़ा सा मैं डाउनवर्ड भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि डेली यूज़ के लिए कौन उतना ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिकल पे आते हैं, आप अगर बाइक ठोकते हैं या फिर थोड़ा सा इधर उधर होने से ही अगर बाइक का फ्रेम बिगड़ जाता है तो आपको यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा। जो ये फीचर है एक रेसर के लिए, एक स्टंट राइडर के लिए अच्छा है, लेकिन डेली एवरीडे यूज़ के लिए शायद ये कहीं ना कहीं कॉन्सर्न हो सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है प्लीज़ इस बारे में नीचे कमेंट करके बताना। ये मेरा फुल्ली पर्सनल ओपिनियन है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो फीचर है इसको इंडियन नज़रिया से अगर देखा जाए तो इंडियन लोगों को ज़्यादा टिकाऊ चीज़ें पसंद है, या फिर अब बोल सकते हैं कि भाई
मजबूत चीज़ें पसंद है, तो यहाँ पे जो मजबूती है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट है, जो फ्रेम का प्राइसिंग है पिछले वाले जो आर सी 390 उससे फ्रेम का प्राइस और भी कम किया गया है। तो यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, पूरा गाड़ी ही कॉन्सेप्ट ही आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रहा है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट यहाँ पे बड़े चेंज हुआ है वो है ब्रेक्स पे। पहले से ज़्यादा आपको जो ब्रेक्स है वो यहाँ पे वेट कम कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है, KTM ने पूरा ही वेट को कम करने का कोशिश किया है और पावर को ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे अभी फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं, भाई बहुत कुछ सुन लिया, अभी पावर कितना है, टॉप स्पीड क्या है, क्या निकल के आ रहा है, देता कितना है, माइलेज क्या है। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर ले तो एक और बड़े अपग्रेड हुआ है वो है इसका फ्यूल टैंक। अभी इसमें 13.7 यानी कि 13.7 लीटर आपका जो फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे, मुझे बहुत ही इम्प्रेस भाई, मतलब बहुत कुछ अपडेट किया है एक झटके में, आपको खतरनाक अपडेट देखने को मिल रहा है। माइलेज पे यहाँ पे उतना ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना पहले का आपको माइलेज देता था, उतना ही यहाँ पे माइलेज देता है और आपको करीब करीब यहाँ पे 29-28 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप ऑब्वियसली इसे बैटर भी पा सकते हैं, आपका राइडिंग स्टाइल के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो इंजन का स्पेक्स निकल के आ रहा है ये सीसी भी बढ़ा दिया है, 375 सीसी का यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल रहा है और पावर आपको 44 एचपी का पावर और टॉर्क यहाँ पे 37 Nm, भाई साहब खतरनाक अपग्रेड फिर से। और जो टॉप स्पीड है आपको बोला जा रहा है 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा आपको टॉप स्पीड मिलेगा, बूम गाइस, मतलब दिमाग हिल चुका है मेरा, ऐसा नहीं लग रहा है भाई कि किस कोई अपग्रेड हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा बाइक ही नया कर दिया गया है यहाँ पे। एक और अच्छी चीज़ जो यहाँ पे सीट होता है, पहले जो सीट होता था उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता था लॉन्ग राइड के लिए, तो यहाँ पे कुछ टूरिंग वगैरह का जो क्रेज़ जो बढ़ रहा है अब इधर इंडिया पे और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके ऊपर यहाँ पे देख के जो सीट है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट और कम्फर्टेबल किया गया है और जो राइडिंग पोस्चर है, जो सामने का हैंडल्स है उसको भी थोड़ा सा ऊपर किया गया है ताकि आप बेटर टूरिंग कर सके, बेटर सिटी राइड कर सके, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है, जो आपका क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, जो हैंडल है उसको अपनी बॉडी का पोस्चर या फिर आपके बॉडी आपके कंफर्ट के ऊपर आप ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सामने या फिर थोड़ा पीछे, ये भी बहुत खतरनाक फीचर है। और अभी आप लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्च फाइनली कब होगा, तो अभी भी इसका लॉन्च अगर आप 2021 पे ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। जो यहाँ पे मॉडल है वो अर्ली 2022 पे लॉन्च होने वाला है और जो इसका प्राइसिंग है एक्स शोरूम आपको करीब करीब 2,73,75 ऐसा देखने को मिलेगा और जो ऑन रोड प्राइस आपको करीब करीब 3 लाख के अंदर मिल जाएगा। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा तब हम लोग प्राइस के ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो यही था, आशा करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। ओ एक और बात यहाँ पे मैं भूल ही गया था आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही देता हूँ, जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी पूरा यहाँ पे चेंज किया गया है। साउंड में थोड़ा सा हेरफेर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो डाउन मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लगा इसका एग्जॉस्ट, मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा और साउंड भी वैसे ही है, इट्स ओके ओके। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अभी तक आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए राइड सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।